मैं जब घर से निकलती थी तो 7:45 हुए होते थे और शाम को 4 तक केवल इलाज इलाज और इलाज होता था। मेरी जेब में अपना पैसे खत्म होने लगे थे। 7वां ऑपरेशन था मेरे बेटे का मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में, उसको भर्ती किया। 64,000 ऑपरेशन की कीमत थी, उसको एक ब्रेन सर्जरी करानी बाकी थी, उसके पहले की तैयारी हो रही थी। 64,000 रुपीस में भर चुकी थी। मेरे बेटे को मैंने लगभग 16-18 घंटे फास्टिंग रखना था, सर्जरी के पहले और सर्जरी के बाद। बिना खिलाए पिलाए 5 के बच्चे को रखना आसान नहीं है, वो आपको मारता है क्योंकि उसको भूख लगी है। फ्रेंड्स, क्योंकि वो मुझे मार रहा था, क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत नहीं बची थी, मुझे कुछ खाना था। मैं चली गई हिंदुजा हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में और वहाँ पे मैंने अपनी पर्स खोली और उस पर्स में 25 नहीं था। वड़ा पाव मुंबई में मिलते हैं जिसकी कीमत उस दिन वहाँ पे 25 थी और मेरे पास वो पैसा नहीं था। फ्रेंड्स, वो मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट डे था, क्योंकि उस दिन एक माँ ने वादा किया था कि जिंदगी ऐसी नहीं रहेगी, जिंदगी अलग होगी, जिंदगी बदलेगी। इस बच्चे को इस दुनिया में लाई हूँ ना तो इसको अच्छा भविष्य दूंगी, इसको कभी पैसे के लिए तड़पना नहीं पड़ेगा। और वहां एक माँ का जन्म हुआ था। फ्रेंड्स, तब ने ऊपर वाले को एक बार कह दिया कि मुझे एक रास्ता दे दे भगवान, मैं खूब मेहनत करूंगी, मैं दुनिया हिला दूंगी, मैं अपनी जान लगा दूंगी, बट मुझे मौका दे दे। फ्रेंड्स, कुछ दिनों के अंदर मुझे एक कॉल आया, क्योंकि मेरी हालत बहुत खराब थी। मैंने अपनी नेटवर्क मार्केटिंग तब छोड़ दी थी क्योंकि मैं नहीं कर पा रही थी। उस कंपनी में बहुत प्रॉब्लम शुरू हो गए थे, मैनेजमेंट की गड़बड़, एम्प्लॉयज की गड़बड़, प्रोडक्ट की सर्विस नहीं, तो मैंने छोड़ दिया। और एक चीज़ मुझे रियलाइज हुआ था तब कि कोई भी कंपनी आपका भविष्य नहीं बना सकती है, एक बहुत मजबूत विजन वाली कंपनी ही आपका भविष्य बना सकती है। मैं छोड़ चुकी थी नेटवर्क मार्केटिंग, मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जॉब पे लगी हुई थी। मेरा दिन का खर्च कभी 5,000, कभी 10,000, कभी 20,000 रुपया था अपने बच्चे को ठीक रखने के लिए। मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जॉब कर रही थी।